नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत कुमार, स्वागत करता हूँ आप सभी अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जो केस लॉ है हमारे पास वो है पिनल केस 1602, यानी कि 1602 का केस लॉ है दोस्तों। ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसके अंदर आता है, और इसका जो आपको रेफरेंस मिलेगा वो कंसीडरेशन का जो चैप्टर होता है उसके अंदर मिलेगा दोस्तों। तो ये केस भी जो है वो कंसीडरेशन से डील करता है। जो इसके फैक्ट्स थे वो इस तरह से थे। इसमें दोस्तों, जो डिफेंडेंट होता है हमारे पास, वो उधार लेता है प्लेंटिफ से 8 पाउंड और कुछ छिले, और जब प्लेंटिफ डिमांड करता है तो वो प्लेंटिफ को देता है 5 पाउंड और समथिंग शिलिंग। अब इस पर क्या होता है, प्लेंटिफ वो 5 पाउंड ले लेता है, पर उसके बाद उस पर केस भी कर देता है कि भाई मुझे मेरी पूरी अमाउंट दी जाए। तो इस पर दोस्तों, जो प्लेंटिफ कोर्ट जाता है तो कहता है दोस्तों कि मुझे जो पैसा मिलना चाहिए था वो पूरा नहीं मिला है, तो मुझे पूरा दिलाया जाए वापस से सारा। तो इस पर कोर्ट कहता है कि हाँ भाई, आपको जो पैसा है, डिफेंडेंट को कहता है कि आपको पूरा देना पड़ेगा। तो डिफेंडेंट कहता है कि भाई मैं तो इसको पैसा दे चुका हूँ और इसने उसे स्वीकार भी कर लिया था, इसलिए उसको वो मानना चाहिए कि वो वैलिड कंसीडरेशन है। पर इसमें कोर्ट ने कहा कि आपने जो प्रॉमिस किया था उससे कम अमाउंट दी है, इसलिए जो अमाउंट आपने दी है उसका तो अब कोई रेलिवेंसी नहीं रही, पर दोबारा से आपको जितने उसके 8 पाउंड और समथिंग शिलिंग थे वो सारे आपको वापस देने पड़ेंगे। तो ये जो डिसीजन था कोर्ट का दोस्तों, ये बाइंडिंग हो गया, और वहाँ से रूल निकला कि प्रॉमिस टू पे लेस अमाउंट देन ड्यू। अगर आप प्रॉमिस की ही अमाउंट से कम दे रहे हैं तो वो इंग्लिश लॉ के अंडर उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये इस केस में एस्टेब्लिश हो गया था। साथ में दोस्तों, इसमें कोर्ट ने एक बात और हेल्ड की, वो क्या, कोर्ट ने कहा कि भाई आप पैसे की जगह कोई और चीज़ दे सकते थे, अगर आप कोई चीज़ देते तो उसको स्वीकार किया जा सकता था। जैसे मान लीजिए कि आपको 8 पाउंड और कुछ शिलिंग देने थे, आप उसको ना देकर मान लीजिए कोई घोड़ा दे देते, कोई कुत्ता दे देते, कोई और चीज़ दे देते, तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता था, ठीक है। अब वो किस लिए कहा कोर्ट ने, कोर्ट ने कहा कि भाई हो सकता है कि एक घोड़ा आदमी की नेसेसिटी हो, उसको ज़रूरत हो, तो उसको वो एक्सेप्ट कर लेते तो वो चलेगा, पर अगर आप पैसा देते हैं तो फिर पैसा आपको पूरा देना पड़ेगा। अगर आप पूरा नहीं देते हैं तो फिर आपको समझा जाएगा कि आपने पेमेंट नहीं की है। इस रूल को ज़्यादा वेटेज मिलती नहीं है दोस्तों इंग्लैंड के लॉ में, बट फिर भी ये वहाँ का एक जजमेंट थी जो हमें डिस्कस करना ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है ये। पर इसके साथ ही इस केस का जो रूल बना उसकी कुछ एक्सेप्शन भी हैं। तो वो एक्सेप्शन क्या है, पेमेंट इन काइंड, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि भाई उसकी जगह वो कोई घोड़ा कुत्ता या उस तरह की कोई भी चीज़ वो दे सकता है, दैट इज़ पेमेंट इन काइंड, कि पैसा ना देकर कुछ उसके बदले कुछ छोड़े। पेमेंट बिफोर ड्यू डेट, अब ये भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि एग्रीमेंट था आपका इतनी तारीख को जो मुझसे पैसे आपने उधार लिए हैं वो वापस देने हैं, तो आपने क्या किया उस तारीख से पहले ही दे दिया, यानी कि ड्यू डेट से पहले ही भरपाई कर दी अपने लोन की, तो उस वक्त भी फिर क्या होता है, आपकी जो लेस अमाउंट है उसको स्वीकार किया जा सकता है, जो कम पैसा है उसको स्वीकार किया जा सकता है। तो थर्ड है दोस्तों, पार्ट पेमेंट बाय द थर्ड पार्टी। मान लीजिए कर्ज लिया था बेटे ने और जो पेमेंट की वो बाप ने की, अब अगर क्रेडिटर उसको स्वीकार कर लेता है कि ठीक है भाई मुझे 50 ही ठीक है, मैंने देने तो 100 थे पर मुझे मेरे लिए 50 बहुत है, तो फिर वो एक्सेप्टेबल होगा, वहाँ पर भी पिनल केस का रूल नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, कंपोजिशन विद द क्रेडिटर। तो इसमें सिंपल सी बात है कि मान लीजिए अगर मैंने कर्ज देना है 10 आदमियों का, ठीक है जी, 10 आदमियों से मैंने हर आदमी से 100-100 उधार दिया था, तो हो गया उनका 1000 रुपया, यानी कि मैंने उनको 1000 रुपया देना है, मैं 1000 नहीं दे पाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मेरे पास सिर्फ 500 रुपया है, तो वो कहते हैं कि हम 50-50 रुपये बांट लेंगे, तो उसके इसमें भी वो भरपाई मानी जाएगी, तो वो माना जाएगा कि भाई ये सारे सेटिस्फाइड है। जैसे कि आप जानते हैं प्रॉमिसरी एस्टोपल में एक आदमी प्रॉमिस करता है और दूसरा आदमी उसी प्रॉमिस के बिहाफ पर कुछ एक्ट करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, और वो जो सिचुएशन होगी वहाँ पर भी वो वैलिड होगी और डॉक्ट्रिन ऑफ पिनल फिर अप्लाई नहीं की जाएगी। तो ये है दोस्तों एक्सेप्शन इस रूल्स की और पिनल केस। थैंक यू।